नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोग रो बन गया, अज लोगों की आवाज़ बन गई है। बिक्रम सिंह मजीठिया जिहड़े बदले दी नहीं बदलाव की राजनीति गल करते हैं, हमेशा श्रोमणी अकाली दल ने बदलाव की राजनीति गल की, असं 10 साल बदलाव करके दिखाया। पर कांग्रेस सरकार 1955 जे नहरू की रहनुमाई हेठ, 84 दे विच इंदिरा की रहनुमाई हेठ, तो हुण दोबारा सोनिया गांधी राहुल गांधी रहनुमाई हेठ पंजाब के जख्मां ते नमक छिड़कन की गल की जाती है। हमेशा पंजाबियों के भोले भाले पंजाबियों के राजनीतिकरण किया जाता, वोटों की खातर उन्होंने गुमराह किया जाता। 5 साल का दसण का कोई कम नहीं कि दसा जाए, उल्टा 6 बंब धमाके हो गए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई। पर अज दोबारा झूठियां एफ आई आर दर्ज करके श्रोमणी अकाली दल की आवाज़ बंद की जा रही है, पंजाब की आवाज़ बंद की जा रही है, तो असं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगे। अज यूथ अकाली दल के हज़ारां नौजवान चढ़दी कला दे विच गवर्नर साहब नूं डीसी साहब राही मंग पत्र देने आए भी पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक की जाए, झूठियां एफ आई आर जिहड़े बिक्रम सिंह मजीठिया साहब या होर लोगों पर जी एफ आई आर की है वह रद्द की जाए, पंजाब के माहौल में सुखाला बनाया जाए। उल्टा नवजोत सिंह सिद्धू वर्गे जिहड़े पुलिस के खिलाफ जिहड़े गलत बयानबाजी करते हैं, तो मैं समझता नवजोत सिंह सिद्धू एक बार सारी पुलिस को छड़ के किसी पिंड किसी शहर जाके दिखावे, पता लग जाओ गया से ना। इस तो पहला जम्मू के गया से जो गुरबाणी के शब्द गलत कटे से, तो लोगों ने उत्थे जवाब दिता सीगा, तो मैं समझता हुण ये दोबारा पंजाब के अग ला के सियासत करना चाहते, जी असं बर्दाश्त नहीं करते, असं करके गवर्नर साहब को मंग पत्र दिता। मैं सिद्धू नूं ये गल कहूँगा, चर्चा छड के ना पंजाब के भले की गल करो, कभी तू जाड़ के ढाबे के उत्ते बैठ के ड्रामेबाजी करदा, कभी तू पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करदा, कभी तू धार्मिक शशीर के खिलाफ बोलदा, कभी तू गुरबाणी नूं तरोड़दा मरोड़दा, इहो जिहे लोग पंजाब दे विच रहण योग नहीं हैगे। पंजाबियों ने हुण जवाब दे देना, पंजाबी जे प्यार करदे आ ते दुश्मनी वी पूरी निभांदे आ। सरकार चाहती नहीं, सरकार की मंशा एक ही है बदनाम करना। सरकार सिर्फ बिक्रम सिंह मजीठिया साहब होवे, लोगों होवे, पंजाब के लोग होण, श्रोमणी अकाली दल होवे, जिहड़ी चंगी गल करदे दबाना चाहते हैं, आवाज़ दबड़ी कोई नहीं। हुण रो रो वधी जाणा जी, हज़ारां नौजवान आ गए, लखां लोग भी बाहर निकलणगे, चेतावनी। ये वोटां की राजनीति करते ना, 2022 की राजनीति कर रहे, तो मैं कहना हुण लोग जवाब देणगे, लॉकडाउन च लुके कित्थे सी कांग्रसी, हुण जवाब मंगणगे। जे चन्नी साहब कहिंदे वी चन्नी साहब बार बार कहिंदे कि मैं पहला मुख्यमंत्री सी होणा आ, तो पहला मंत्री नहीं सीगे, एजुकेशन मिनिस्टर सीगे, पहला की सी, पहला की सुधार तुसीं करता? पंजाब दे लोकां नूं ठग्या, कांग्रेस का काम ठगना तो लुटना है, तो असीं हुण बर्दाश्त नहीं करदे। मेरा नाम कमलप्रीत सिंह केपी है जी, सर्कल प्रधान श्रोमणी अकाली दल। तो जो अज आप कचहरी के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं कहना जी जे सरदार बिक्रमजीत सिंह मजीठिया तो इन्होंने जो भी परचे पाए है सब झूठे है, बेबुनियाद ने, इन्हों का कोई भी तत्व नहीं है। और मैं चन्नी जी को साफ तौर पर कहना चाहना, चन्नी साहब तुम हार के बुखलाए हुए, सिद्धू साहब हार के बुखलाए हुए, तुम परचे पा रहे हो माझे के जरनैल से, तुम ये नहीं पता साढ़े पंजाब श्रोमणी अकाली दल की रीढ़ की हड्डी है, जे तुम परचे वापस ना ले जेल भरो अंदोलन चलूगा, पंजाब का माहौल ताडे करके खराब होगा। और जो मैं कहना जो हालात तुसी माड़े करते पंजाब दे, आने वाले समय दे विच केजरीवाल ने भी माफ़ी मंगी सी, उदा ही रिटर्न दे विच सिद्धू जीरा वड़िंग, मैं कहना तुसी सारे ही माफ़ी मंगोगे और विचे चन्नी साहब भी माफ़ी मंगणगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये जिहड़े जिहड़ी मशाल है ये चली हुई है जी, जे इन्होंने धरने अपने, मैं कहना जे इन्होंने वापस ना लिया धरने इदा ही मौजूदा उदा चलते रहेंगे, चौंकों के चलन के धरने, जेल पर अंदोलन भी चलूगा। सो गल है ब्रदर, अज असी लुधियाना डीसी ऑफिस से समुचा यूथ अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल इतने सारे असी पहुंचे हाँ, ये खाली लुधियाने नहीं समुचे पंजाब च मुद्दाहीन कांग्रेस सरकार ने जो पिछले 5 साल पहला 2017 च पंजाब दे लोकां नूं वादे करके पंजाब च अपनी सरकार बनाई सी, फरवरी च इलैक्शन है, ये 2 महीने इन्हां लोकां ने जवाब देना है। ये मुद्दाहीन लोग अज बेवजह बिना किसी कारण तो बदले दी जिहड़ी राजनीति है, बदलाखोरी है जिहड़ी, उहदे संबंध च इन्हां ने बिक्रम सिंह मजीठिया जी ते परचा दर्ज कर दिता। उहदे संबंध च अज यूथ अकाली दल ते अकाली दल गवर्नर साहब नूं इत्थे मंग पत्र डीसी साहब की राही देन आया, और मैं थोड़े मीडिया के राही इन्हों याद कराना चाहना कि 2017 भी केजरीवाल ने झूठा एक आरोप मजीठिया साहब से लाया सी कि नशा वेचण वाला नशे का तकसर है, लेकिन 2017 तो बाद इलैक्शन तो बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल को रिटन कोर्ट से माफ़ी मांग के अपनी जान छड़ानी पै गई सी। और मैं और चन्नी और सिद्धू जुंडली भी याद कराना चाहना कि केजरीवाल थानू अजे याद नहीं है कि माफ़ी मांग के जान छड़ाई है, थानू समुची जुंडली जिहड़े मुद्दाहीन लोग हो के अपने मुद्दे लैके लोगों से जाओ, तुसी तां सगों इधर नशे का केस करके तुसी लोगों एक अपने विषयों तो भुला रहे हो, सो थानू भी माफ़ी मंगनी पै जाएगी। मजीठिया के खिलाफ
जो झूठा परचा दर्ज किया उसके खिलाफ अज पंजाब का बच्चा बच्चा उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहा है। अज यूथ अकाली दल वालों, श्रोमणी अकाली दल वालों, इस भी अकाली दल वालों इतने डीसी दफ्तर के मूहरे हाईकमांड के निर्देशों अनुसार अज रोस मुजहरा किया गया है। साड़ी मांग है कि जिहड़ा परचा झूठा है ये वापस लिया जाए और जिहड़ा मैंटल सिद्धू है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो पुलिस के खिलाफ हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उसको बर्खास्त किया जाए। इन्होंने शब्दों के नाल मैं श्रोमणी अकाली दल वालों ये विश्वास दवाना कि श्रोमणी अकाली दल का बच्चा बच्चा नवजोत सिंह सिद्धू की पिट से खड़ा है। सॉरी कट दी देखो गल है जिहड़ा बंदा ताकतवर हुंदा ना जिहदी लोकां च लोकप्रियता हुंदी है उहदी विरोधता हुंदी है। बिक्रम सिंह मजीठिया एक धार्मिक आगू है और पंजाब के नौजवानों की दिलों की धड़कन है। अज जो उसके खिलाफ अपनी सियासी किट कढ़न करके जबरदस्ती उसते परचा दर्ज किया गया है ये सारा गलत है और मैं समझता वा अज पंजाब का पूरा आवाम इसके खिलाफ खड़ा हुआ है। अज श्रोमणी अकाली दल दे वर्कर जिद श्रोमणी अकाली दल यूथ अकाली दल श्रोमणी अकाली दल और इसी अकाली दल के वर्कर लुधियाने भर तो इतने इकट्ठे हो गए उस बिक्रम सिंह।